गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं BEEE में नया टॉपिक लाया हूँ, करंट डिवाइडर रूल और वोल्टेज डिवाइडर रूल। तो करंट डिवाइडर रूल क्या होता है, तो करंट डिवाइडर रूल का प्रयोग करते कहाँ है सबसे पहले, तो करंट डिवाइडर रूल को शॉर्टकट में हम CDR बोलते हैं। इसका यूज़ करते हैं जब जो करंट होते हैं वो पैलर में कनेक्टेड होते हैं, तो हम करंट डिवाइडर रूल का प्रयोग करते हैं। तो जैसे ये सर्किट आपके सामने दिख रहा है, तो इसमें करंट के साथ अपने दो रेजिस्टेंस आपस में जुड़े हुए हैं और दोनों ही कैसे हैं, आपस में पैरेलल रहे हैं। तो किसी एक करंट का मान ज्ञात करने के लिए हम करंट डिवाइडर का रूल का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो हमने एमीटर के साथ क्या कर रहे हैं, दो रेजिस्टेंस को हमने पैरेलल में जोड़ते हैं। तो हम ओम्स के लॉ से क्या होता है, वी बराबर होता है आई इंटू आर इक्विवेलेंट। जो आई है वो क्या है, टोटल करंट है, यानी आई बराबर क्या है आपका, टोटल करंट है इंटू आर करंट। तो आई करंट यहाँ से कितना प्रोवाइड हो रहा है और इस सर्किट में आर का मान कितना है। तो दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं करंट आर इक्विवेलेंट, तो आर वन और आर टू दोनों कैसे हैं, दोनों पैरेलल हैं। तो आर इक्विवेलेंट बराबर हो गया आर वन डॉट आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। ये जब प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसका एक फॉर्मूला होता है, तो उसको फॉर्मूला होता है आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। हम कहते हैं जो इसका जो वोल्टेज ड्रॉप होगा यहाँ पर, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक हम वोल्टेज ड्रॉप देखें और इसका यहाँ से यहाँ से यहाँ इसका वोल्टेज ड्रॉप देखें, ये वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पर भी इसके लिए वोल्टेज ड्रॉप होगा, या वी वन ड्रॉप होगा, यहाँ पर वी टू ड्रॉप होगा, अगर वोल्टेज को जोड़ते हैं तो मान के चल रहे। तो जो टोटल वोल्टेज होगा यानी वी वन होगा, वी टू होगा, चाहे वी टी हो, तीनों का मान समान होगा, तीनों ही पैरेलल में जुड़े हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो तीनों का बराबर बराबर होगा, वी वन हो चाहे वी टू हो चाहे वी टी हो, ठीक है। तो हम सबसे पहले वी वन निकालते हैं, तो वी वन इजिकल टू वी टू, दोनों बराबर वी टी। और फॉर्मूला ओम के नियम से क्या था, आई टी इंटू आर इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट का मान समीकरण एक में रख दिया, आई इंटू आर वन आर टू आर वन प्लस आर टू, ठीक है ना। वी वन का मान ओम के नियम से क्या होगा, वी वन का आई वन इंटू आर वन, वी वन का मान होगा आई वन इंटू आर वन आई वन इंटू आर वन, ये के ये मान आपका यहाँ रखते हैं। आई वन से देखिए तो ये आर वन है, आर वन से ये आर वन कट जाए, तो आई वन बराबर हो जाएगा टोटल करंट इंटू आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। तो इस समीकरण से आपका जो फॉर्मूला मिलता है, जैसे ये आई वन हम निकाल रहे हैं, तो देखिए इसके विपरीत जो रेजिस्टेंस है उसका मान यानी अपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन दोनों का योग। तो हम इसके से ऐसे क्या फॉर्मूला बना सकते हैं करंट डिवाइडर का, मेन करंट इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन आर टू आर वन, यानी जो रेजिस्टेंस हमारे पास था किस जिसमें हम करंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो करंट प्रोवाइड रेजिस्टेंस, करंट फ्लो रेजिस्टेंस प्लस अपोजिट रेजिस्टेंस। तो ये आपका ये फॉर्मूला हो गया, I1 बराबर टोटल करंट अप इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन अप करंट फ्लो रेजिस्टेंस प्लस अपोजिट रेजिस्टेंस। तो ये इसके अपोजिट यानी R2 R1 के बिल्कुल अपोजिट है, तो R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी इन दोनों को अपन ऐड कर लेंगे पहला के लिए। तो ये आपका फॉर्मूला, जैसे ही हम इसको I2 निकालते हैं तो क्या होगा, टोटल करंट I2 करंट फ्लो जिस रेजिस्टेंस में उसका अपोजिट रेजिस्टेंस, I2 करंट का फ्लो हो रही है इसमें, इसका अपोजिट रेजिस्टेंस कौन सा R1, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे तो R1 अपॉन R1 प्लस R2, ये होता है आपका करंट डिवाइडर रूल, ठीक है ना। ऐसे ही वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या होता है, तो वोल्टेज डिवाइडर रूल का वहां प्रयोग करते हैं जब वोल्टेज किसमें हो, सीरीज में जुड़ा हो, तो वहां हम वोल्टेज डिवाइडर रूल का प्रयोग करते हैं। तो
तो वोल्टेज डिवाइडर रूल का प्रयोग करते हैं, यानी इस वोल्टेज के साथ दो रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए हैं। इसे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम किसी भी बैटरी पर इसी आर वन पर हम कैसे निकाल सकते हैं, इस वोल्टेज ड्रॉप का मान ज्ञात कर सकते हैं, आर टू रेजिस्टेंस और वन बी टू का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए ओम के लॉ से वी वन बराबर आई वन इंटू आर वन, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप निकाले तो ओम के नियम से क्या होगा, आई वन इंटू आर वन, यानी यहाँ पर जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वी वन के लिए तो हम आई वन इंटू आर वन, यानी कोई भी करंट पहला अप्लाई करते हैं तो वो कितना होगा, यानी टोटल करंट आई टी, यहाँ से जो टोटल करंट जा रहा है आई, इस वोल्टेज सोर्स से निकल रहा है टोटल आई करंट आई इंटू आर वन ओम के नियम से, ठीक है ना। आई टी बराबर क्या होता है ओम्स के लॉ से, वी अपॉन आर यानी टोटल वोल्टेज अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो सबसे पहले हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो आर इक्विवेलेंट देखोगे तो दोनों ही रेजिस्टेंस किसमें हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, आर वन प्लस आर टू। तो आई टी निकालेंगे तो वी टी अपॉन आर वन प्लस आर टू हो जाएगा। अब हम जो वी टी का जो मान निकाला है, इस जो मान ये वाला मान है वो हम कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर एक में रख देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में हम मान रखेंगे तो वी वन बराबर आई टी की जगह हम क्या रख देंगे, बी टी अपॉन आर वन प्लस आर टू इंटू आर वन, ठीक है ना। अब जो इसका मान आएगा वोल्टेज ड्रॉप का अपना क्या हो जाएगा, वी वन बराबर वी टी इंटू आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू। अब वोल्टेज ड्रॉप के लिए क्या फॉर्मूला बन सकता है, तो देखिए टोटल वोल्टेज इंटू आर वन जो वोल्टेज ड्रॉप कर रहे हैं, तो वी वन निकाल रहे हैं तो जिस सीरीज में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो रेजिस्टेंस, यानी वो रेजिस्टेंस जिसमें आपका करंट फ्लो हो रहा है, मतलब सेम रेजिस्टेंस, समान रेजिस्टेंस जिसके वोल्टेज निकल रहा है, सेम रेजिस्टेंस जिस पर करंट फ्लो हो रहा है बटे सेम रेजिस्टेंस प्लस सेकंड रेजिस्टेंस, ठीक है। इस दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा वोल्टेज डिवाइडर का। इट मींस हम जैसे अब दूसरा निकाले V2, तो V2 के लिए निकालेंगे तब तो वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे, तो वोल्टेज टोटल वोल्टेज इनटू इस स्वयं का रेजिस्टेंस, V2 का रेजिस्टेंस, V2 और इन दोनों का योग, यानी अब R2 हो गया R1 प्लस R2। तो इस तरह हम करंट डिवाइडर और वोल्टेज डिवाइडर का यूज करते हैं। इसके बाद मैं आपको इसका एक न्यूमेरिकल कराता हूँ करंट डिवाइडर का यूज करते हुए, और इसके साथ हम सुपरपोजिशन थ्योरम कैसे क्वेश्चन कैसे निकाल सकते हैं दोनों का यूज़ करनी है, इसे नई वीडियो में आपको ये मैं सिखाऊंगा। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कुछ जो स्टूडेंट है सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, मुझे ऑनलाइन वीडियो में सब पता चल जाता है कि बच्चा